हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास चैनल। आज हम देखेंगे मेरा इवनिंग का व्लॉग कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी खाना पकाने का हो रहा है और मैं बाकरी के लिए आटा, देखिए ये है ट्राइपॉड जो सेट ही नहीं हो रहा है, और एक है सेल्फी स्टिक। और मैं बाकरी का आटा बनाऊंगी और फिर जो भी मेरा रूटीन है वो। तो अभी तो मैं आटा बना रही हूँ और ये मैंने जो सुबह पुलाव बनाया था वो बचा था, तो मैंने उसे क्रश करके इसका ये मुठिया के लिए आटा तैयार करके मुठिया बनाने के लिए रख दिया है। और इस तरह से मुझे बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्राइपॉड भी बिगड़ गया है और सेल्फी स्टिक से तो हमें कभी इस तरह से स्टैंड नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास एक दूसरा ट्राइपॉड है, उससे मैं अपना ये ब्लॉग बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब भाकरी को सेकने के लिए मैं जो तवा है वो गर्म करने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में चेक करती रहूँगी कि मेरा मुठिया तैयार हुआ है कि नहीं। और अभी प्लेटफॉर्म बहुत ही गंदा हो गया है, फिर सारा काम करके प्लेटफॉर्म भी साफ़ करना है।
और अब मैं एक के बाद एक भाखरी सेकती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ, क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड को भाखरी ही पसंद आती है, तो भाखरी मुझे बनानी पड़ती है। कभी कभार कुछ मुठिया या फिर अलग हो तभी उनके बिना उनको चल जाता है, नहीं तो पहले तो उनका नियम ही था कि भाखरी रोज़ शाम को चाहिए ही। तो अब इस तरह से गरम गरम भाखरी पर ही हम घी लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे, और इस तरह से वहाँ पे ठंडा होने के बाद हम अपना जो कैसरल है उसमें रख देंगे। अब मैंने 2 से 3 बार ये धो के रख दिया है सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे खाने का आज बहुत मन नहीं है। और अब मैं उनके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ बैंगन और आलू की, तो तेल डाल दिया है, फिर वो उसमें हम जीरा डाल देंगे और लहसुन भी, लेकिन अभी लहसुन की कलियाँ मेरी बेटी ने इधर उधर कर दी और तेल भी गर्म हो गया, तो मैं सिर्फ जीरा ही डालूँगी, तो क्योंकि फिर जीरा जल जाएगा इसलिए जीरा, फिर हल्दी, लाल मिर्च जो भी है, नमक, स्ट्रेनर से अब मैं सारा पानी स्ट्रेन कर दूँगी, सारा पानी निकाल दूँगी सब्ज़ी में से। अब हमारा जीरा अच्छे से हो गया तो मैं अब उसमें सब्ज़ी डाल दूँगी। इस तरह से मैंने सारी सब्ज़ी डाल दी है और फिर अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। और मैं हर रोज़ शाम को सब्ज़ी, भाखरी और खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि खिचड़ी मेरी बेटी को चाहिए, तो उसके लिए मैं अपनी जो छोटी सी बेबी है 1.5 ईयर की, तो उसके लिए मैं खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं बनाया, सुबह उसने पुलाव और वो सब खाया है। फिर अब मैं इसके लिए, ये हमारे साथ यही खा लेगी और फिर मैं उसके लिए सेरेलेक बनाऊँगी। इस तरह से मैं बार बार मुठिया चेक करती जा रही हूँ और सब्ज़ी को हम इस तरह से मिक्स करके उसमें ज़रूरियात के मुजब पानी डाल देंगे, और मैं बीच में अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही हूँ। जो मैं सारी ये बाकी के बर्तन हैं वो भी मैं अब धोने के लिए रख दूँगी प्लेटफॉर्म पर, सुबह काम वाली बाई आती है, लेकिन अभी जो काम के हैं बर्तन वो मैं अभी साफ़ कर देती हूँ ताकि सुबह मुझे आसानी रहे, और सुबह को जो बाकी के बर्तन हैं वो काम वाली बाई कर देती है, तो इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर जगह कर रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है
और इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। और प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उसमें जब भी मैं बर्तन धोने जाऊँ तो पानी बाहर निकलता है, तो मेरे कपड़े भी सारे गीले हो जाते हैं। हम रेंट पे रहते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ही है घर, और यहाँ पे ऐसा ही होता है सारे घर, तो ध्यान रखना पड़ता है कि पानी बहुत निकलता है तो मेरे कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। तो मुझे बर्तन प्लेटफॉर्म पर घिसने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब मैं एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि अब मैं उससे यूज्ड टू, यानी कि वो मुझे अब फा गया है यहाँ पर रहते रहते, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं कपड़े गीले ना हो जाए। और बार बार मुझे वो वाइपर है उससे पानी निकाल देती हूँ मैं।
अब मैं सारे बर्तन पोंछ के उसकी जगह पे रख देती हूँ और फिर मैं खाना सर्व करूँगी और फिर मेरी बेटी की बॉटल्स साफ करूँगी और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म साफ करके सो जाऊँगी और रात को मैं बोनीटा वाला दूध भी पीती हूँ कभी कभी। और आज तो मैंने कोको बनाया है तो वो मैं पीऊँगी। सोने की तैयारी।
इस तरह से मेरा सारा प्लेटफॉर्म साफ होके रेडी है। उसके जो स्टैंड थे जो गैस के, वो भी मैंने निकाल के धो के रख दिए है। और ये जो ढक्कन है वो सब मैं ग्लास और वो सब भी मैंने गिलास वो सब धो के मैंने रख दिया है। अब प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट रेडी है, उसे फिर मैं बाद में सूखे कपड़े से भी पोंछ लेती हूँ ताकि एकदम क्लीन हो जाए। तो ये है मेरा इवनिंग रूटीन। और दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये इवनिंग रूटीन वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और इसे देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।